आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो ज्यादा इलास्टिक क्यों होता है मोनोपोली के डिमांड कर्व से। सो बात करते हैं सबसे पहले मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन की। सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, सो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में देखो क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डील होता है हमारा डील इन डिफ्रेंशिएटेड गुड्स। मीन्स जो गुड्स होते हैं वो लुक वाइज, टेस्ट वाइज, साइज, शेप, पैकेजिंग एक्सेट्रा, इन सब में डिफरेंट होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल नूडल्स इंडस्ट्री में बात करें, अगर हम मैगी या फिर यप्पी की, दोनों के दोनों साइज, शेप, कलर, टेस्ट में अलग अलग है। एंड सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में अगर हम बात करें कोका कोला एंड पेप्सी की, ये दोनों भी टेस्ट में अलग अलग है। सो देयरफॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में ये होता है। एंड बेसिकली देखो क्या होता है, अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे हम मैगी का डिमांड कर्व बनाए, ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस ऑफ मैगी, सो बेसिकली कुछ इस तरीके का डिमांड कर्व होता है। एंड ये इसका मतलब मोर इलास्टिक है, फ्लैट है ना। सो फ्लैट मींस अगर सपोज इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सोल्ड कर पाती थी मैगी, एंड सपोज अब अगर मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो अपना प्राइस इंक्रीज कर देती है इतना, ठीक है, P1 तक, सो क्वांटिटी डिमांडेड अब देखो कितनी ज्यादा कम हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी ज्यादा कम हो गई है। एंड इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज मैगी का प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, जैसे ही मैगी का प्राइस इंक्रीज हुआ, हमारी जो डिमांड है ना वो शिफ्ट हो गई, डिमांड शिफ्ट टूवर्ड्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गई, यप्पी की तरफ, है ना। एंड देयरफॉर इसलिए हमारा इसका मोर इलास्टिक होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें मोनोपोली का, सो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, एक तो एक ही सेलर होता है, एक ही बेचने वाला होता है, एंड वो उस प्रोडक्ट में डील करता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है, BSES सप्लाई करती है ना। सो बेसिकली उसका क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके जैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड सिर्फ एक ही बंदा बेच रहा है, एक ही फर्म बेच रही है, सो देयरफॉर उसके पास पावर होती है कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए, है ना। सो देयरफॉर उसका इलास्टिक कुछ इस तरीके से होता है, कुछ डिमांड कर यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्यों, बिकॉज देखो क्या होगा, उसके पास फुल कंट्रोल होता है प्राइस का। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा डिमांड कर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, कि वो कोई भी प्राइस सेट कर पाएगा, बिकॉज क्या होता है वो प्राइस तो सेट कर पाता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के, वो कोई भी प्राइस कर सकता है, बट डिमांड हमारे हाथों में है ना, बिकॉज वो अगर सपोज प्राइस इंक्रीज भी करता है, सो अर्लियर हम 4 घंटे AC चलाते थे, अब हम उसको 4 से 3.5 आवर्स कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी ही कम कर देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे ही नहीं। सो डिमांड का जो शिफ्ट होगा वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, डिमांड जो है मेरी इतनी ज्यादा से चेंज नहीं होगी प्राइस से ज्यादा, बट हाँ डिमांड मेरी कम होगी बट बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन में, वाइल अगर हमने देखा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में बहुत ही ज्यादा से चेंज हो रही है। सो देयरफॉर अगर फर्म का प्राइस इतना है, अगर फर्म प्राइस इतना बढ़ा देती है, सो डिमांड मेरी बहुत ही कम चेंज होगी, बिकॉज जो मेरा डिमांड कर्व होता है लेस इलास्टिक होता है। सो ये था मेरा क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएटेड गुड्स, ठीक है, मोनोपोलिस्ट का जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है, व्हाई ड्यू टू द नॉन अवेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है। सो ये था मेरा आंसर टू दिस क्वेश्चन।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।